सो वेलकम बैक दोस्तों, आई होप कि आप सभी फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं पोर्ट्रोनिक्स का 8.5 इंच का रफ पैड। फ्रेंड्स, ये हमारा मल्टी कलर एलसीडी पैनल के साथ आता है। फ्रेंड्स, इससे पहले ही मैंने एक और रफ पैड की वीडियो अपने चैनल पर बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप वॉचआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये रफ पैड उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए क्या क्या डिफरेंसेस हमें मिल जाते हैं, क्या क्या फीचर्स हमें इसमें दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर रिंग कर देना। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी क्विक अनबॉक्सिंग। सो फ्रेंड्स, ये है पोर्ट्रोनिक्स का मल्टी कलर एलसीडी राइटिंग पैड। बॉक्स के फ्रंट पर हमें इसके कुछ एडवांटेजेस रिटर्न मिल जाते हैं और बॉक्स को बैक साइड टर्न करने पर हमें इसके कुछ हाइलाइटेड फीचर्स रिटर्न मिल जाते हैं। डाउन साइड में हमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिटर्न मिलती है, जिनको आप रीड आउट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से हम बॉक्स को करेंगे ओपन और चेकआउट करते हैं कैसा मल्टी कलर रफ पैड हमें इसमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये रफ पैड हमें मिल जाता है। दिखने में एकदम फ्रेंड्स ये टैबलेट की तरह लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो ये हमें पॉलीकार्बोनेट में बिल्ड मिलता है और जो इसकी क्वालिटी है वो हमें एवरेज मिल जाती है। बैक साइड से कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमें मिल जाता है। फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम और लाइट वेट है, ईजिली आप अपने बैग में रखकर इसको कैरी कर सकते हैं। फ्रंट पर यहाँ पर हमें मिल जाता है 8.5 इंचेस का मल्टी कलर एलसीडी पैनल और यहाँ पर हमें मिल जाता है ये इरेज बटन, जिसकी हेल्प से आप जो भी इस पर रिटर्न करेंगे उसको इरेज कर पाएंगे। और बैक साइड में यहाँ पर ये मिल जाता है हमें लॉक एंड अनलॉक बटन। इसका क्या यूज़ है ये आपको फर्दर वीडियो में पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो बटन है इसको काफ़ी हार्ड से प्रेस करना पड़ रहा है। और यहाँ पर ये हमें राइटिंग पेन इसके साथ ही अटैच मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। फ्रेंड्स, आप इसको इस तरह से रिमूव करेंगे, जो पेन का डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हमें मिलता है और आगे फ्रेंड्स इससे राइट डाउन करके हमें पता चलेगा। वैसे फ्रेंड्स, आप अपने नेल से भी इस पर राइट डाउन कर सकते हैं, बट उससे हम इतनी परफेक्टली राइट डाउन नहीं कर पाएंगे जितना हम इस राइटिंग पेन से राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम करते हैं इस पर कुछ राइट डाउन और देखते हैं कैसा कलर कॉम्बिनेशन हमें इसमें मिलता है। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि हमें पेन में कलर ऑप्शन मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो फ्रेंड्स इसके एलसीडी पैनल है उसमें ही हमें कलर ऑप्शन दिए गए हैं। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा जो मैंने इस पर राइट डाउन करा है, इसमें हमें काफ़ी डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो चलिए हम जल्दी से अगेन करते हैं इस पर कुछ ड्रॉ। वैसे मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स चलिए देखते हैं ट्राई करके क्या इस पे हम बना पाते हैं। और फ्रेंड्स, जेन्युइनली मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा इस पे आ रहा है, आपको काफ़ी बढ़िया लगेगा इस पे राइट डाउन करते हुए और ड्रॉ करते हुए। जो हमारे इसमें डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और जो हमारा पेन है फ्रेंड्स, इससे काफ़ी थिक रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट चलिए इरेज करके कुछ और ड्रॉ करते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, आप भी इस पर राइट डाउन करके या फिर ड्रॉ करके लर्न कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा पहला रफ पैड था उसमें हमें इस तरह से मल्टी कलर एलसीडी पैनल नहीं दिया गया था, उसमें सिर्फ एक ही कलर आता था, बट इसमें हमें कलर कॉम्बिनेशन मिल जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। और जो इसका बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन है दोनों ही हमें एवरेज मिलते हैं। ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट फ्रेंड देख लेते हैं जो हमारा बैक साइड में लॉक और अनलॉक बटन दिया गया है उसका क्या यूज़ है। सो फ्रेंड्स, अभी देख सकते हैं ये बटन हमारा अनलॉक है। अगर हम इसको इस साइड में लॉक कर देंगे, नाउ अगर आप इरेज बटन को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा इरेज नहीं होगा क्योंकि हमने इरेज बटन को लॉक कर दिया है। सो इसकी हेल्प से फ्रेंड्स, अगर आप इस पर कुछ राइट डाउन कर रहे हैं, बाय मिस्टेक आपसे इरेज बटन प्रेस हो जाता है, तो ये हमारा इरेज नहीं होगा। आप इस तरह से चिल्ड्रन को भी लॉक करके दे सकते हैं और आप इस बटन की हेल्प से इसको लॉक करके भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर बाय मिस्टेक किसी से इरेज बटन प्रेस हो जाता है तो जो आपका डाटा रिटर्न है वह इरेज नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, ये अनलॉक और लॉक बटन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ये हमारा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इससे हमारे पेपर सेव होंगे, आप इस पर ईजिली कुछ भी राइट डाउन करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये आइज़ के लिए भी प्रोटेक्टेड है,
इससे आपकी आइस पर कुछ भी डैमेज नहीं होगा। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसको यूज़ करने के लिए हमें कंप्यूटर या फिर लैपटॉप की नीड पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें ऑलरेडी आपको एक बैटरी इंस्टॉल मिल जाती है, जिसकी हेल्प से आपको इसको सिंपली डायरेक्टली यूज़ कर लेना है, तो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की नीड नहीं है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो हमारी ये LCD पैनल है, ये डस्ट प्रूफ और स्क्रैच प्रूफ नहीं है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इस पर काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो आप इसको अपने हिसाब से स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाय मिस्टेक आपसे गिर जाता है तो इसमें कुछ भी डैमेज फ्रेंड्स नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का बिल्ट है। बट आपको फिर भी इसको प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि इसमें काफ़ी थिन प्लास्टिक यूज़ किया गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा कितना अमेजिंग है हमारा ये रफ पैड, और पर्सनली भी फ्रेंड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद ये आया है। आपको इसको राइटिंग करने में और ड्राइंग करने में काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट आने वाला है। और फ्रेंड्स, जो इसकी मल्टी कलर LCD स्क्रीन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 350 रुपीज़ में आपको ये अमेजन पर मिल जाएगा। सो आप इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए या फिर अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, आपके कुछ और भी कमेंट्स और क्वायरीज है तो आप मुझे डेफिनेटली राइट डाउन कर सकते हैं, आई विल आंसर देम। मिलते हैं आपसे एक ऐसी अनदर अमेजिंग वीडियो में।